शिवालय मंदिर में, समलई मंदिर में देख सकते हैं। जागो भारत, जागो भारत, जो जिन्हें कुछ भी नहीं है ये लोग जगाने के लिए एक संस्था है, हर किसी को जगाते हैं, किस तरह समाज सेवा हो हर काम के लिए आ जाते हैं। आइए मिलेंगे, यहाँ पर कुछ जो आ चुके हैं उनसे मिलें। हाँ सर, आपका नाम बताइए। अनु सिन्हा सर, तो आप जागो भारत के क्या हैं सर? हम जागो भारत के मेंबर हैं, पब्लिक को जगाते हैं कि अच्छे काम के लिए आगे बढ़े। मैडम आपका नाम? मैं रेनू अग्रवाल जी। मैडम आपका? मैडम ममता अग्रवाल। अभी हम देख सकते हैं हमारे सामने कई भी हैं। हाँ मैडम आपका नाम? अनु। अच्छा, अभी देखते हैं सारे कोई महिलाएं और भी लोग हैं आ रहे हैं धीरे धीरे। आइए मिलेंगे सर, बताएंगे आज जागो भारत की तरफ से आज क्या अभियान होने का था जो नहीं हो सका, बंद हो गया? नहीं, हम चाह रहे थे कि जो बांग्लादेश में हुआ उनके खिलाफ में आज 150 देश वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तो पूरा भारत में हो रहा है सर, आज भारत आज में संबलपुर में भी कर रहे हो। तो हम लोग दिया जलाना चाहते हैं। तो दिया जलाना कोई मना करता है क्या आपको? नहीं, दिया जलाना मना नहीं, प्रोटेस्ट करने के लिए मना किया गया है। तो प्रोटेस्ट अभी हर तरफ हो रहा है, कुछ कांग्रेस वाले बीजेपी वाले हर तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नवीन पटनायक के खिलाफ और भी कानून के खिलाफ में होता है, तेल के खिलाफ हर प्रकार का प्रोटेस्ट होता है। हाँ होता है, लेकिन ज़्यादा गैदरिंग नहीं होना चाहिए। चलो अगर सोशल डिस्टेंसिंग में प्रोटेस्ट होता है तो अच्छी बात है। चलिए, आपको तो मालूम नहीं सर, हर तरफ गैदरिंग होके ही प्रोटेस्ट होता है। हाँ मैडम बोलेंगे आप। जय भारत, जागो भारत, मैं ममता अग्रवाल। मैं सवाल करती हूँ उस देश के पुलिस से, क्या जो बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं, डांडिया ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कल ही एसपी ऑफिस का घेराव हुआ, तो क्या उसमें भीड़ इकट्ठी नहीं होती? तो अपने ही देश के नागरिक जो बर्बरता से मार दिए गए, उनके प्रोटेस्ट करना क्या देशद्रोह है? किस लिए हमको मना किया गया? कौन मना किया मैडम आपको? थाना से परमिशन नहीं मिला प्रोटेस्ट के लिए। अच्छा, तो किस लिए नहीं मिला? कि अपने ही देश के नागरिकों का समर्थन करना, उनके बचाव के लिए प्रयास करना, उनको प्रोटेस्ट करना क्या अपराध है इसी देश में, हमारे हिंदुस्तान में? क्या आज हिंदुस्तान की स्थिति इतनी गिर गई है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैडम आप क्या बोलना चाहेंगे? जो इतना बंगाल में हो उसके लिए प्रोटेक्ट करने आए थे, जो बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ उसका प्रोटेक्ट करने आए थे, लेकिन अलाउड नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ दीवा जला के घर जा रहे हैं। चलिए अब ये दीवा जला के ही आपको काम करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप लोगों को। इस तरह आप देशभक्ति है, आपको देख के लोगों को भी देशभक्ति जागेगी कि हमारा देश हमारा अधिकार, ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि अपना अधिकार के लिए हर कोई लड़ते हैं। आज चाहे किसान आंदोलन देखिए, साल भर होने को आ गया, एक साल तो भी वो लोग कर रहे हैं, तो उनको तो इतना रुकावट नहीं हो रहा है। फिर आप लोग जागो भारत के एक नागरिक हैं, लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, आप लोगों को क्यों रोका जाता है? हम भी सरकार से सवाल करें, जागो भारत संस्था एक अच्छी संस्था है जो लोगों का काम करती है और लोगों को जगाती भी है कि आप जो सोए हो जागो, अपने भारत के लिए लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।